ये मर्सिडीज की ML गाड़ी है, ML 350 है। और ये गाड़ी में प्रॉब्लम ये है ना, जब हम गाड़ी चलाते हैं ना तो एक साउंड आता है कट 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 करने का। तो ये गाड़ी ऑलरेडी एक दो जहाँ जा चुकी है, क्या मालूम काम हुआ कि नहीं हुआ, क्या मालूम। तो ये है कि काम नहीं हुआ, आगे क्या हुआ वो अपने को नहीं मालूम। फिर अपने पास ये डायरेक्ट आई है, तो ये गाड़ी मैंने डायग्नोज किया, चेक किया। इसमें जो प्रॉब्लम है ना वो ट्रांसफ़र केस का मुझे ऐसा डाउट लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी मैं 10 गाड़ी किया हूँ, तो मुझे ऐसा डाउट लग रहा है कि इसका जो है ट्रांसफ़र केस में प्रॉब्लम है करके। तो ये वीडियो में ना मैं ट्रांसफ़र केस खोलूँगा और चेक करूँगा, बताऊँगा किधर क्या प्रॉब्लम है। ज़्यादातर तो इसका चैन का होता है, तो इसमें कई बार रहता है लोग डायरेक्ट रिप्लेस भी कर देते हैं, नया बहुत महंगा है। और ये रिपेयर भी होता है, और मतलब इसका नया पार्ट्स भी आता है, जैसे कि चैन हो गया, अंदर की गाइड हो गई, ये सब नया भी आता है और ये रिपेयर भी होता है, रिपेयर भी चलता है। अभी तक जितना किया हूँ ऐसा कुछ कंप्लेन नहीं आया है। तो हम ये वीडियो में ये जानेंगे। सबसे पहले तो मैं कंफर्म करता हूँ प्रॉब्लम क्या ट्रांसफर कैश में ही है, क्योंकि मैं सस्पेंशन वगैरह चेक किया, ऐसा सस्पेंशन में मुझे कोई नहीं लगा, सिर्फ एक गियर माउंट जो है ना उसका बोल्ट एक ढीला था, वो भी मैं टाइट करके देखा, लेकिन वो सब प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या होता है, जब गाड़ी चलती है ना थोड़ा हाई एक्सीलरेशन पे ना इसमें से साउंड आता है, तो ऐसा लगता है वो साउंड सस्पेंशन में है, ज़्यादा नहीं हल्का आता है। और फिर मैं चेक क्या किया मालूम है, फिर इसको मैं चेक किया, रैम पे भी लगा के चेक किया, तो ऐसा मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि इसका जो प्रॉब्लम है वो अपना इसमें ट्रांसफ़र का इसमें। और ये जो प्रॉब्लम आ रही है, जो साउंड है ना, ये वीडियो में नहीं आएगा। मैं कितना भी कोशिश करूंगा कि वीडियो में वो साउंड मैं सुना सकूँ, दिखा सकूँ, नहीं आएगा। बहुत बारीक सा साउंड है, बहुत बोले बहुत बारीक सा साउंड है। तो क्या चैन का आवाज़ है ना वो मालूम नहीं पड़ेगा, बट कैसा गाड़ी जब चलाते हैं ना तो जब आता है ना वो काफ़ी इंसान इरिटेट होता है। तो चलो ये चीज़ को मैं बताऊंगा, प्रॉब्लम किधर है, क्या है और कैसे सॉल्व होती है, सब ये वीडियो में हम जानेंगे। लीक लग रहा है, तो कई बार रहता है ना ऑयल लीक होता है तो दिक्कत करता है। ऑयल खोलते हैं और इसके बाद जो भी है करेंगे इसका प्रॉब्लम सॉल्व। तो वो निकालते हैं पहले इसका ऑयल और देखते हैं ऑयल की कंडीशन। काफी इसमें लीक है, ये देखो साइड साइड है, ये देखो यार इसका ऑयल नंबर दो। ये देखो ऑयल तो एकदम इसका काला है, खासा ऑयल है, कई बार रहता है ना ऑयल कम हो जाता है, ऑयल बिल्कुल नहीं निकलता है। इसमें जो ऑयल जाता है ऑयल निकला है 800 ml, 1 लीटर 800 ml के आसपास ऐसे रहता है, खत्म है, पूरा 1 लीटर भी नहीं जाता। ये देखो ऑयल एकदम पतला है, ये एकदम खत्म है, और ऑयल जो निकला है ना काफी ज्यादा और एकदम काला ऑयल। तो क्या है ना, ये ऑयल डाल दूंगा तो जो इसकी लाइफ है वो बढ़ जाएगी और कुछ नहीं। ले इसको डाल ले खाली, ऑयल की तो एकदम बुरी कंडीशन हो गई है। ये ऑयल खोलूंगा जहाँ तक मुझे लगता है किसी ने ऑयल डाला है काला, क्योंकि इसमें इतना काला नहीं होता। ये चैन मैं देखता हूँ, ये देखो चैन जो है ना, थोड़ा मुझे चैन पे डाउट लग रहा है, तो इसके लिए ना मैं ट्रांसफर करके इसको खोलूँगा। है यहाँ से इतना नहीं मालूम पड़ेगा, मैं इसको खोल के बाहर निकालता हूँ तभी समझ में आएगा। तो अभी इसको मैं खोल लिया हूँ और खोल के बाहर निकालते हैं, चल बाहर ले। ये है इसका ट्रांसफर केस, इसमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा निकला था। ये है अपना गियर का, तो खैर इधर तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा था कि क्योंकि इसका जो चैन है ना वो बढ़ गया है, ऑलरेडी ऐसा बोल्ट मैं ऊपर ही खोल लिया था। तो चलो अभी सारा बोल्ट मैं खोल के ले लिया हूँ, अभी इसको हम कटाते हैं और कटा के फिर निकालते हैं। ला इसको डावर ला और हथौड़ी इधर ठोक इसमें ना। तो आ रहा है, तो इसको कैसा चारों बाजू कटाना रहता है। Thank you.
खोल दिया हूँ, बस ले पलटी का। तो ये जो है ये इसका गट्ठा है, ये सब पीछे रहेगा। और ये देखो ये जो है ना ये इसका चैन है। तो ये क्या होता है, ये ना ये जो चैन है ना ये बढ़ जाता है चल चल के। ये देखो ये इतना इसमें जो पिले हैं ना इतना पिले नहीं रहना चाहिए। ये देखो रहता है इतना होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा है। ये देखो इतना पिले नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होता है ना ये स्लिप होता है। और ये देखो यहाँ पे सब ना होम आया है इस साइड साइड। तो जो इसमें प्रॉब्लम है इसका ही है, ये चीज़ हम डालेंगे अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार इसको निकालते हैं ये पुल्ली के साथ, ये साथ में आएगा। चल ला इसको ऐसा रख। देखो ये जो है ना ये कट गया है। तो ये कटने की वजह से ना ये जो चैन है ये जम करती रहती है। और आप देख सकते हैं इसका जो थिकनेस है ना, ये देखो ये इतना थिकनेस रहता है और ये कट के एकदम ख़त्म हो गया है। ये देखो ये साइड का थिकनेस देखो, और ये देखो ये एकदम पूरा कट गया है। तो अभी अपने पास ना दो उपाय है, या तो अपन इसको अल्ट्रेशन करके बनाएंगे, हाँ, या तो फिर क्या करेंगे मालूम है, ये पूरा चेंज करेंगे। अगर ये अपने को पूरा अच्छा मिलता है ये पूरा डाल देंगे, जो भी अपना प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो लेकिन ये चीज़ मिलना भी चाहिए, अगर ये चीज़ नहीं मिलेगा ना तो फिर अपने को ये बनाना ही पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। पहले मैं इसको चेक किया, इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं मिला ये सब में। ये गट्ठा भी ओके है, और ये जो इसका गेयर है ना इसकी ये जो तीथे हैं ये थोड़ी थोड़ी आउट हो गई, मतलब बैंड हो गया। ऐसा लगता है ना कि चैन स्लिप हुआ है, क्योंकि यहाँ पे होम आ गया है। और इसमें यही होता है कि जो चैन है ना ये बढ़ जाता है, फिर नया चैन डालना पड़ता। लेकिन अभी फ़िलहाल ये चैन रेडी में नहीं था, और काफ़ी महंगा चैन आता है। हाँ, ट्रांसफ़र का इस लेने जाएंगे कुछ कंपनी में, 6 लाख के आसपास का है। तो इसको मैं पूरा क्लीन करके ले लिया हूँ, इसको करते हैं फिटिंग। तो फिटिंग से पहले सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो लगाने से पहले सब में ग्रीसिंग लगाना रहेगा। तो हल्का हल्का ग्रीस लगा लेने का, क्योंकि ये बैठेगा ये कॉलर में। और इससे पहले भी किसी ने काम किया है, ये टूटा हुआ है, फेविकोल से किसी ने चिपकाया हुआ है। फ्लैश बंद कर दे, फ्लैश बंद कर। बस तो ये बैठ गया है प्रॉपर। अब इसके बाद हम बिठाएंगे इसको, तो इसमें भी ग्रीसिंग करेंगे। इसका जो गियर है गियर में भी ग्रीसिंग कर देंगे, क्योंकि इसमें ऑयल तो जाएगा ही, लेकिन ग्रीसिंग बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये जो गट्ठा है ना इसको अच्छे से मैं ग्रीसिंग कर दिया हूँ। अब इसको लगाता हूँ इधर, तो इधर भी थोड़ा हम ग्रीसिंग करके ले लेंगे, और थोड़ा यहाँ पे भी। तो ये जो पोजीशन है ये पोजीशन ऊपर रहेगा।
तो ये एकदम प्रॉपर बैठ गया है। अब हम बिठाएंगे उसके बाद ये वाला इसका गियर, ये जो गियर है तो इसमें भी ना ये देखो ये कॉलर है और इधर ये कॉलर नहीं है। और ये फेंस देखेंगे, ये फेंस इसका ज़्यादा है, ये फेंस कम है। तो ये जो चौड़ा वाला इसको हम बिठाएंगे। एक चीज़ और है इसमें, यहाँ देखो यहाँ एकदम प्लेन दिया हुआ है और ये प्लेन जो आएगा इस पर बैठेगा, क्योंकि ये जो है हमारा चलेगा इस पर। तो इसका ये पोजीशन हो गया बैठने का। और ये जो है ये जो हमारा पोजीशन है, तो अभी हम लगाएंगे ये वाला गियर। तो ये गियर में ना थोड़ा होम आया है, वो होम मैं दिखा देता हूँ अगला। ये देखो ये जो है ना यहाँ पे से धार आ गया है। जब कोई चीज़ मतलब मार खाती है ना तो यहाँ पे होम आता है, ये हाथ में ऐसे लगता है, क्योंकि ये जो है ना ये देखो कट किया रहता है, लेकिन ये जो है ना हाथ में ऐसा फील हो रहा है, ये मतलब मार खाया हुआ है। तो अभी मैं इसको ये पोजीशन पे फिटिंग करूँगा, जिसका ये जो हिस्सा है ना ये ऊपर आएगा ये ऐसा। तो ये फिटिंग करने से पहले हम इसके अंदर करेंगे थोड़ा ग्रीसिंग। ये रोलर वायरिंग है, इसमें ऑयल जाएगा, ऑयल जो रहेगा वो पतला ऑयल आता है, तो ग्रीसिंग कर देंगे वो बेस्ट रहेगा। इसमें हम मैनुअल ऑयल भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई फिक्स कि पतला डालें ATF डालें या फिर मैनुअल डालें। ये सब क्या वायरिंग है ना, तो ये सब थोड़ा ग्रीसिंग रहेगा, इसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। तो ये हो गया ऐसा। तो अभी अपने को ये निकालना ही पड़ेगा एक बार चैन के लिए, वो तो मैं ऐसे ग्रीसिंग करके दिखाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखो ये जो चैन है ना ये भी हम बिठाएंगे, लेकिन इसका भी बिठाने का पोजीशन होता है। इसका एक पोजीशन ये है, दूसरा ये है। तो अपने को जो बिठाना है ये पोजीशन में बिठाना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ इसका मार्किंग किया हुआ है चैन का, कलर कोड इसका थोड़ा अलग टाइप का है, ब्लैक है। और ये साइड एकदम प्लेन है, इधर कोई मेंशन ऐसा नहीं है चैन पे। तो चैन जो अपने को बिठाना है कुछ इस टाइप में बिठाना है, बाकी इसका जो पोजीशन है कोई भी साइड ये जाएगा उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो अब इसके लिए क्या करूँगा मैं एक कोई एक गियर निकाल लेता हूँ। अब एक गियर निकाल लिया, इसको ये लगा दिया और इसको भी निकाल ही लेता हूँ, ऐसा लगा देते हैं क्या इजीली बैठ जाएगा। ये हुआ, अब हम इसको धीरे से रख देंगे। थोड़ा घुमा घुमा के ये जाता है, चलो ये बैठ गया। इसमें दिक्कत ये थी ना, इसमें ये जो पिले है ना काफ़ी ज़्यादा है और ये चैन बढ़ जाता है, ये काफ़ी महंगा है चैन, और सेकंड में भी लेने जाएंगे तो बहुत महंगा है, लेकिन अभी फ़िलहाल मिल नहीं रहा है। तो ये मैं बना दूंगा, नहीं नहीं करके ना 4-5 साल इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो ये जो है ये इसका एक हिसाब से टेस्नर है, गाइड टेस्नर है। हम इसको करेंगे टाइट। और इससे पहले भी ना इसको किसी ने ऑल्टरेशन किया, तो इसका ना इससे पहले भी किसी ने ऑल्टरेशन किया है, क्योंकि ये जो है ना इधर बता, इधर जो है ना इधर एक अलग टाइप का गाइड आता है, टेस्नर जैसा रहता है वो, मतलब ऐसा स्टेड रहता है, उसकी ये दो ब्रैकेट पे दो बोल्ट टाइट होता है। तो किसी ने ना ऑलरेडी ये ऑल्टरेशन किया है, किसने किया क्या मालूम, आई डोंट नो, बट ये जो है ना किसी ने किया है। और आप देख सकते हैं इसका जो है ना ये पूरा कट गया था, ये किसी ने लाइनर चिपकाया हुआ है, उसके बाद ये इसकी जो थिकनेस है काफ़ी कम हो गई करके। तो अभी मैं भी इसको मतलब मिल नहीं रहा करके बनाया हूँ, और जो भी इसकी लाइफ है काफ़ी बेटर रहेगी, कम से कम मेरे हिसाब से 4-5 साल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे भाई का बनाया हुआ ना फेल नहीं होता है। अगर मैं कुछ बनाता हूँ रिपेयर करता हूँ तो बहुत सोच समझ के करता हूँ, ऐसा ही नहीं कि बना दिए और आगे चल के फेल हो गया। और बनाया भी हूँ, कम से कम 20-30 ट्रांसफ़र का इस बनाया हूँ, आज तक गाड़ी चल रही, कोई भी कंप्लेन नहीं आया, किसी में भी रिपीट जॉब नहीं आया। तो चलो ये लगा दिया हूँ, अब करते हैं इसको टाइट। ये हो गया टाइट,
बस ये जब चलेगा ना, ये देखो इसका जो दबाव है ना, ये दबाव इस पे जाता है और ये देखो एकदम फर्स्ट क्लास हो गया है। ये घूमता है ये पोजीशन पे ऐसा। तो चलो अभी इस पे लगाते हैं सिलक। सिलक ले तो अभी पूरा सिलक लगा के ले लिया हूँ। अब रखता हूँ इसका ये दूसरा भाग। तो ये थोड़ा ध्यान से रखना रहता है, इसके अंदर है ये गट्ठा। ले ले गन ले ले। तो अभी फाइनली पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसको एक बार घुमा के चेकिंग करते हैं। ये देखो ये वर्क कर रहा है। अब वो वाला घुमा। ये देखो और अगर इसको लॉक करेंगे तो वो वाला घूमेगा। ये देखो अभी इसको छोड़ूंगा फिर ये वाला घूमेगा। घुमा हाँ। ये देखो यानी जिस पे लोड आएगा ना वो रुक जाएगा। अब वो वाला पकड़ेंगे तो फिर ये वाला फिर घूमेगा। पकड़ उसको, वो वाला पकड़। हाँ ये देखो जो अपना एकदम मस्का हो गया है। चल अब ये वाला पकड़ बकरा। ये देखो ये घुमा रहा हूँ, वो वाला घूम रहा है। अब वो वाला घुमा, मैं ये पकड़ा हूँ। हाँ ये देखो ये घूम रहा है। हाँ घुमा। ये देखो तो जो भी था अपना हो गया है सॉल्व। तब लगाते हैं इसको गाड़ी में फिर मारते हैं ट्रायल। अभी आप देख सकते हैं जैसे कि मैं ऑयल लेके आ गया हूँ। ये MB ये लिखा हुआ है मर्सिडीज बेंज के लिए है। तो चलो ये ऑयल हम डालेंगे इसमें। ये जो ऑयल है ना ये येलो कलर का ऑयल रहेगा, 1 लीटर जाएगा। तो ऑयल जो ड्रेन करने का है दिखाया था यहाँ से, और जो फिल करने का है यहाँ से। तो यहाँ से हम इसका ऑयल डालेंगे। चल डाल। हाँ तो हाँ ISM डाल दो, या तो फिर ISM खोल के ना ISM के यहाँ से न्यूट्रल कर सकते हो। ISM खोलो उसका और ISM खोल के वहाँ से न्यूट्रल कर दो, वहाँ से हो जाएगा। हाँ। तो अभी ये जो ऑयल है 1 लीटर हम पूरा डालेंगे। तो इसके लिए ऐसा बाहर से ऐसा पाइप लगाना पड़ता है, वहाँ से भी जाता है फिर कैसा सिल हो जाएगा। यहाँ से 1-2 मिनट में पूरा ऑयल फिल हो जाएगा। तो ये देखो पूरा फुल हो गया। जब फुल हो जाएगा ना तो यहाँ से गिरने लगेगा ऑयल, फिर इसके बाद नट लगा देंगे। तो चलो ये हो गया है, अभी गाड़ी को करते हैं डाउन और मारते हैं इसका ट्रायल। तो इसमें जो ऑयल गया है ना कुछ 700 ml के आसपास गया है, और भी थोड़ा इसमें 100 ml 200 ml डाल सकते हैं। लेकिन कैसा ना यहाँ से ड्रेन होने लगे ना तो फिर बंद कर देने का। ऊपर से भी डालने वाले डालते हैं लेकिन फिर ऊपर से क्या होता है ना ज़्यादा होने की वजह से फिर वो लीक करने का चांस रहता है, जैसे कि पहले भी लीक था करके। तो चलो अभी अपना हो गया है, ये नट को टाइट करते हैं फिर गाड़ी का जो भी है ट्रायल लेते हैं। तो अभी जैसे कि मैं गाड़ी को ट्रायल पे लेके निकला हूँ,
और पहले जो आवाज़ आती थी, जो प्रॉब्लम थी, वो सब सॉल्व हो गई है। तो पहले ना ऐसा रनिंग में हाई आरपीएम में जब खींचता था ना तो काफ़ी नॉइज़ आती थी, और वो सारी नॉइज़ चली गई है। तो थोड़ा मैं और इसको रनिंग कर लेता हूँ, फिर देखते हैं, क्योंकि पहले तो तुरंत सडनली मालूम पड़ जाता था, अभी ऐसा कोई आवाज़ कोई साउंड नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसका अच्छा खासा ट्रायल मारा, तो अपना जो भी प्रॉब्लम था सब प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाना, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट अपडेट वीडियो मिलता रहे। तो ये थी मर्सिडीज़ की ML 350।